किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, उन्हें चुका नहीं पा रहा था, एक तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड था। उस इंसान की आदत ये थी कि वो भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था। बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से उसने सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूं। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने तब तो उस बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। उसे लगता था कि इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते वो। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में, उसे लगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और पूजा करने में कौन सा घाटा है, करनी चाहिए। तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति खरीद के ले आया। घर में ला करके विधिवत तरीके से उसने स्थापना की, पूजा पाठ करना शुरू किया। महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल बीत गया। बहुत मन से वो प्रार्थना कर रहा था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा करता था, बात नहीं बनती थी, गुस्सा भी आता था उसे। फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा क्रोध में करता कि ये क्या हो रहा है, मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। 2 साल तक उसने ये सब किया लेकिन जिंदगी में चेंज नहीं आया, जो चल रही थी वैसी चल रही थी। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने सलाह दी कि भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली माँ की पूजा शुरू करो, काली माँ की मूर्ति खरीदो, वहां पूजा करना शुरू करो, तुम्हें देखना चेंजेस आएंगे लाइफ में। तो उसको लगा कि दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लेते हैं। वो बाजार से काली माँ की मूर्ति ले आया। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसने ऊपर जहां वो पूजा करता था उसके ऊपर एक टांड थी, अलमीरा थी, वहां पर रख दी। काली माँ की मूर्ति की विधिवत रूप से स्थापना कर दी, उनकी पूजा करने लग गया। 2-3 महीने, 4 महीने तक पूजा करता रहा, चेंजेस नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये जो मैं काली माँ को अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, ये जो धुआं ऊपर जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी तो सूंघते होंगे। एक काम करता हूँ, कपड़े से उनका मुंह बांध देता हूँ। तो उसने बच्चे को आवाज़ दी, कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया, कहने लगा भगवान आप प्रकट हो गए, 2 साल से पूजा कर रहा था, आप आए नहीं, आज अचानक कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूं। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो ये धुआं जो है सूंघते होंगे, उन तक पहुंचता होगा, उन्हें दिक्कत होती होगी, तो इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूं, वैसे ही मैंने दर्शन दे दिया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये मजेदार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मैसेज देती है। भाव बस्य भगवान, जब आपकी भावना मन से, जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, उनसे सब कुछ चाहता हूं, उन्हीं की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो वो जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव बस से भगवान, भावना जो है वो जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी जरूर 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 मदद करेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।